भिवंडी शहर में एकात्मता के राजा के नाम से प्रसिद्ध धामनकर मित्र मंडल द्वारा आयोजित गणेशोत्सव में इस बार अयोध्या नगरी में प्रस्तावित श्री राम मंदिर का 120 फीट ऊंचा भव्य पंडाल का निर्माण भिवंडी शहर में किया जा रहा है। अयोध्या से पहले श्री राम मंदिर के दर्शन भिवंडी में होगा। ये अभी बराबर इसको डेढ़ माना जाएगा पूरा, और कलकत्ता के 100-100 वर्कर यहाँ पे गए डेढ़ महीने से काम कर रहे, और 2 साल कोविड की वजह से सभी त्यौहार जो है ये बहुत रुक सा गया था। तो ये बार स्टेट गवर्नमेंट में मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री का बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने सभी बंधन निकाल दिया है, और फिर से 2 साल पहले जैसे त्यौहार बनता था ये बार भी वैसा त्यौहार बनेगा। और सबसे बड़ी बात तो हम लोग का 74 साल है, और हर साल कुछ ना कुछ नया हम लोग देते हैं। जो भिवंडी जो है हमारा, मैं हर बार बोलता हूँ कि टेक्सटाइल का नगरी है और छोटा भारत है, सब देश के लोग यहाँ पे आके, सब स्टेट के लोग यहाँ पे आए काम करते हैं। ये बार जो इतिहास रचा है आज 700-800 साल का, जो अयोध्या का राम मंदिर को सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया कि वहाँ राम मंदिर बनना चाहिए, और देश के 135 करोड़ जनता ने उसको एक्सेप्ट किया, वही मंदिर हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ धामन नाके में बनाना श्री राम मंदिर का। और कुछ एक कोविड से लड़ने के बाद एक नया दिशा जो मिला है जीने का, तो हम भी सोचे क्या राम मंदिर तो बनेगा, बहुत लोग को जाना होगा नहीं होगा, तो सेम वैसे बनाने की हमने पूरी कोशिश की। बता दें कि सामाजिक सांप्रदायिक सद्भाव अमन शांति राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने वाली भिवंडी जैसे संवेदनशील शहर में धामनकर नाका मित्र मंडल व स्वाभिमान सेवा संस्था द्वारा लगातार 33 वर्षों से गणेशोत्सव मनाया जा रहा है। इस बार मंडल का 34वां वर्ष है, जिसमें मंडल के अध्यक्ष संतोष शेट्टी के नेतृत्व में लकड़ी, बांस, कपड़ा, रस्सी जैसे पर्यावरण के अनुकूल सामग्री का इस्तेमाल करके देश व राज्यों के विभिन्न शहरों में स्थापित प्रसिद्ध मंदिरों जैसे पंडाल बनाकर गणपति बप्पा की भव्य मूर्ति स्थापित कर 10 दिनों तक भव्य गणेशोत्सव मनाया जाता है। इसके अलावा सामाजिक जनजागृति करते हुए विभिन्न प्रकार के सामाजिक कार्य भी किए जाते हैं। इस बार उत्तर प्रदेश स्थित अयोध्या में प्रस्तावित भव्य राम मंदिर का निर्माण किया गया है। इस मंदिर के निर्माण हेतु कलकत्ता के सैकड़ों कारीगर 1 महीने तक मेहनत करते हैं, साथ ही मंडल के लगभग 400 कार्यकर्ताओं का सहयोग रहता है। गणेश पूजा के दरमियान रक्तदान शिविर, भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम स्मृति भव्य पेंटिंग प्रतियोगिता और कॉलेज के छात्रों के लिए नुक्कड़ नाटक प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। पेंटिंग प्रतियोगिता के लिए 4000 से अधिक छात्रों ने पंजीकरण कराया है। और मैं आज मुझे बहुत खुशी हो रही है, देखिए सबसे अच्छी बात है हम लोग हमारे भिवंडी के मेरे जितने भी लोग हैं उनकी मैं बताता हूँ क्या जो दिखाओ के हम लोग 1.5-2 महीने से जो मेहनत करते हमारी भिवंडी की पब्लिक के लिए करते, भिवंडी पब्लिक के साथ सब बाहर के लोग भी सब आते, ठाणा मुंबई तक आते लोग, और सब दर्शन लेना चाहिए। दर्शन करने हम लोग ने यहाँ पे कोविड का भी वैक्सीन का भी व्यवस्था किया है, आई कैम्प का व्यवस्था किया है, ब्लड डोनेशन का व्यवस्था किया है। तो सब दर्शन लेने के साथ साथ सोशल एक्टिविटी में हम लोग बहुत ध्यान दिए, और सभी आके दर्शन आ चाहिए। अंदर का जो महल बनाया हुआ है गणपति का वो बहुत देखने लायक है, बहुत अच्छा मेहनत से बहुत लोगों ने काम किया, हमारे धामन के भीतर के कार्यकर्ता वर्कर एक कुछ अलग ही चीज़ें, और जितने लोग अगर देखने आएंगे उतना हमें भी खुशी होगी। और गणपति जो भगवान है हमारा, ये जब भी कोई मांगता है उसको दे देता है, लेकिन जरूर देता है, इसलिए सभी आके दर्शन भी लेना चाहिए और ये दिखाव भी देखना चाहिए। इस उत्सव के दौरान गणेश मंडप में विभिन्न भाषाओं के लगभग 40 भजन मंडलों के भजन कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जबकि शहर के 10वीं और 12वीं की परीक्षा में मेधावी छात्र छात्राओं सहित बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले गोविंदा पथक को स्वर्गीय उस्ताद अप्पा पड़ियाल के नाम से पुरस्कार दिया जाएगा। इसके अलावा गरीब और जरूरतमंद विधवा महिलाओं को सिलाई मशीन, उत्तम गणेश मंडलों को स्वाभिमान कप व नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा। CEN News, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN News को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।